सो वेलकम बैक टू माई चैनल यरुण खान सामा। कैसी है अपनी YouTube फैमिली? एज यूजल आपका भाई आया है एक नया रेसिपी फिर से लाया है। एंड आज की अपनी रेसिपी है मलाई पनीर कोरमा की रेसिपी, विच इज़ अ वेरी टेस्टी एंड वेरी इजी रेसिपी। एंड चलिए ज़्यादा देर ना करते फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें थोड़ा सा पानी डालूँगा, और पानी डालने के बाद इसमें एक के बाद एक चीज़ डालते रहूँगा, जैसे तीन मीडियम साइज्ड रफली चॉप्ड प्याज, एक टेबलस्पून रफली चॉप्ड जिंजर, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। थोड़ा सा पानी मुझे और चाहिए क्योंकि पानी थोड़ा कम पड़ गया था। और इधर जाएगा 50 ग्राम काजू, दो हरी मिर्च कटे हुए, थोड़ा सा इलायची, थोड़ा सा लौंग, एक चम्मच जीरा, थोड़ा सा गोलकी, और इन सारे चीज़ों को अच्छे से एक बार मिला लेना है। और फिर जब थोड़ा सा ऐसे उबाल आना चालू हो जाए इसको ढक के कम से कम 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम में उबालना है। अब देखते हैं 20 मिनट बाद क्या हाल है। 20 मिनट बाद जैसे आप देख ही सकते हैं प्याज अच्छे से पक चुका है, और अब क्या करना है, अब मैं पानी को पहले झाड़ लेता हूँ अच्छे से, क्योंकि प्याज का जो एक स्वीटनेस होता है वो हमको इस रेसिपी में नहीं चाहिए। तो मैं पानी को फेंकने के बाद इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखूँगा, क्योंकि तुरंत इसका हम लोग पेस्ट नहीं बना सकते। आप एकदम गर्म अगर ये मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बनाओगे तो बिल्कुल जार आपके मुंह पे आके गिरेगा उड़ के पूरा। तो थोड़ी देर ठंडा होने दें, उसके बाद इसको एक मिक्सी जार में डाल लें। थोड़ा सा दही डालें, बस एक ऐसा स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। अब मैंने फिर से कढ़ाई गरम करने के लिए रखा है, जिसमें मैं एक चम्मच मतलब बड़ा चम्मच जो है वो घी डालूँगा। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी। जनरली मलाई पनीर कोरमा जो है वो सफ़ेद कलर का होता है, पर मुझे थोड़ा वो येलोइश कलर चाहिए, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा हल्दी डाला है। आप अगर चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्दी को अच्छे से पका लेना है, क्योंकि हल्दी एक चीज़ है जो ठीक से पक नहीं पाता है। और अब इसमें हम लोग वो पेस्ट डाल देंगे। एक चीज़ का ख्याल रखें, जब आप पेस्ट को डायरेक्ट घी में डालेंगे तब आँच एकदम स्लो होना चाहिए, वरना बिल्कुल आपके ऊपर उड़ के आके गिरेगा पूरा पेस्ट। और अब धीरे 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 इसको अच्छे से मिला लें, जैसे कि घी और पेस्ट पूरा एक हो जाए। और ये देखिए अच्छे से मिल भी चुका है। और अब जार में जो थोड़ा सा वो लगा हुआ था वो पेस्ट को हम थोड़े पानी की मदद से इसमें डाल लेंगे। डालने के बाद यू कैन सी द कलर कितना बेहतरीन दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा उबालना है एंड जस्ट गिव इट अ गुड स्टर। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, क्योंकि सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पकने में मदद करता है। अब इसको ढक के उबालना है 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में। और 5 मिनट बाद अब जब खोलोगे तो देख पाओगे कि इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ गया है। और इसके इसमें अब आधा कप दूध डालना है। एंड अब जाएगा इसमें 500 ग्राम कटा हुआ पनीर। आप चाहो तो पनीर को फ्राई भी कर सकते हो, पर बेसिकली आई लव दैट कच्चा फ्लेवर ऑफ पनीर, सो मैंने कच्चा इस्तेमाल किया। आप चाहो तो फ्राई कर सकते हो, दैट्स अप टू यू, क्योंकि घर में बना रहे हैं आराम से बनाएंगे आराम से खाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, अपने हिसाब से ही बनाना है। एंड पनीर इस ग्रेवी में डालने के बाद बहुत आराम से चलाना है कि पनीर टूट ना जाए। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा कसूरी मेथी। अच्छे से मिला के थोड़ी देर
छोड़ देने के बाद इसमें थोड़ा सा चीनी डालें, क्योंकि थोड़ा सा वो मिठास चाहिए होगा पनीर में, तो इसलिए चीनी डालना है। और पानी डाल के आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं कैसा आपको चाहिए। मैंने थोड़ा पानी डाला है, तो इसको थोड़ी देर ऐसे चलाते रहना है, और साथ साथ में साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, वरना मम्मा पीट देंगी पकड़ के घर में। तो अब मैंने इसको ढक दिया है कुछ देर के लिए, 5 मिनट उबालने के बाद। अब देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से पक चुका है अपना मलाई पनीर कोरमा। अब इसको सर्विंग की बारी है। और अब इसके साथ मैं लूंगा 2 रोटी, बस यही काफी है मेरे लिए। और आप चाहो तो किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई थोड़ा सा तो सब्सक्राइब और शेयरिंग ये वगैरह कर भी दो, अभी बहुत तो हो गया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक आप ये रेसिपी को बिल्कुल एक बार ट्राई करके देखिए घर में कैसा बन रहा है। एंड कोई भी रेसिपी अगर मेरे वीडियो से आप बना रहे हैं तो उसका पिक आप मुझे सेंड करो, मैं नीचे ईमेल आईडी देता हूँ, एंड मैं उस पिक को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शो करूँगा। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ, टेक केयर।